जब भी किसी मनुष्य का मन अत्यंत दुखी हो, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा हो, कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तो मनुष्य श्री कृष्ण द्वारा बताई गई गीता ज्ञान की ये चंद बातें जरूर सुने। इसके सुनने से उसके मन को बहुत राहत मिलती है। तो आइए जानें वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान बताई थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है। भगवान कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। भगवान कहते हैं, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो भी लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो भी लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया, खाली हाथ आए खाली हाथ चले। जो भी आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। भगवान कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भगवान कहते हैं, न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो, यह अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश इन पांच तत्वों से बना है और एक दिन इसी में मिल जाएगा। परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो?
भगवान कहते हैं, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय चिंता शोक से सर्वथा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से तू सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।